हेलो, अपने चैप्टर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और ये देख लेते हैं क्या क्या रह गया हमारा। जनरल डिस्क्रिप्शन रह गया हमारा फ्लोरल पार्ट्स का, ठीक है। और एक छोटा टॉपिक है, इसको आज ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट, फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनका एक जनरल डिस्क्रिप्शन। क्या डिटेल है ये? नहीं, जनरल तो जनरली एक लोगों को, किसी इंसान को पता होना चाहिए बेसिकली उसके बारे में। और बींग अ स्टूडेंट आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है पर ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हो कि आपको बहुत लेमन लगे, बहुत ईजी लगे, आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है पर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला बात कर रहा है सेपल्स की, जिसको कैलिक्स भी बोलते हैं, इसको कैलिक्स भी बोलते हैं। कैलिक्स के सबसे ग्रुप को सेपल्स बोलते हैं। तो कैलिक्स कैलिक्स क्या बोल रहा है कि देर आर ओनली फाइव सेपल्स, सॉरी ओनली नहीं, यूजली देर आर फाइव सेपल्स, जनरली फाइव सेपल्स होते हैं। समटाइम्स दे में भी लेस, कभी कभी कम भी हो सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सेपल्स में भी फ्री और फ्यूज, ये सेपल्स फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। फ्री और फ्यूज्ड का मतलब क्या है? ये इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फ्री मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, और हो सकते हैं सेपल्स कंबाइंड फॉर्म में। फ्यूज मतलब कंबाइंड, है ना, यहाँ पर इंडिपेंडेंट अकेले या फिर यहाँ पे कंबाइंड, है ना। जहाँ पर सेपल्स अकेले होते हैं, जहाँ पर सेपल्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, उनको पॉलीसेपल्स बोला जाता है। और जहाँ पर ये कंबाइंड होते हैं, फ्यूज होते हैं, उनको गैमोसेपल्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे एक फिगर दी हुई है, तो ये क्या है? पॉलीसेप्लस। यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पर क्या है? अलग अलग है, यहाँ पर क्या है? ये अलग अलग हैं, फाइव ही हैं यूजुअली, ठीक है। यहाँ पर भी एक दो तीन और चार पांच ही हैं, यहाँ पर भी एक दो तीन चार पांच ही, यूजुअल तो पांच ही दिखाई है। देखो वो कह रहा है कुछ फ्री हो सकते हैं, फ्री मतलब ये जैसे ये फ्री हो कम, और यहाँ पर जो कम, और यहाँ पर जो कंबाइन है, जुड़ी हुई है, ये क्या है? जुड़ी हुई है, यहाँ पर ये पूरी जुड़ी हुई है, फ्यूज है, ठीक है। तो इनको गैमा से प्लस बोलते हैं, ठीक है। समटाइम्स एज इन हिबिस्कस, हिबिस्कस प्लांट है, देर में भी सेकेंड सीरीज ऑफ सेपल्स, सेपल्स सेकेंड सीरीज ऑफ सेपल्स कॉल्ड एपी सेपल्स, कलेक्टिवली कॉल्ड एपी कैलिक्स। कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? कभी कभी हिबिस्कस, हिबिस्कस होता है ना पत्ता गोभी को बोलते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी सीरीज होती हैं। बहुत सारी क्या होती हैं? अलग अलग सीरीज होती हैं सेपल्स के, पत्ते निकलते आते हैं एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक निकलते आते हैं, तो उनको बेसिकली क्या बोलते हैं? एपी सेपल्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? एपी सेपल्स बोलते हैं। कलेक्टिवली इनको एपी कैलिक्स बोलते हैं, तो यानी कैलिक्स को एपी लगा दिया, सेपल्स के पीछे भी एपी लगा दिया, ठीक है। वेन द फ्लावर ओपन, जब फ्लावर ओपन होता है, द सेपल्स में फॉल ऑफ, तो सेपल्स होते हैं वो झड़ जाते हैं और प्रोसेस कुछ कंटिन्यू कर जाते हैं। सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन, यूजुअली ये ग्रीन होते हैं, बट इन सम केसेस दे आर ब्राइटली कलर्ड, कभी कभी काफ़ी चमकीले कलर के भी होते हैं, जिनको हम पेटलॉइड सेपल्स बोलते हैं। हम ऊपर पढ़ चुके हैं एज इन गुलमोहर एक प्लांट है, वेन वेयर दे आर रेड, गुलमोहर में ये रेड होते हैं, गुलमोहर में ये रेड होते हैं, ऐसा कुछ कुछ किस्में रेड कलरफुल होते हैं, तो ये याद रखना, गुलमोहर में ये क्या होते हैं? रेड होते हैं। कौन रेड होते हैं? सेपल्स, है ना। इस सेपल्स का काम क्या होता है? इम्पोर्टेंट लाइन, ये प्रोटेक्ट करते हैं यंग फ्लावर्स को, जो उनके अंदर बन रहे होते हैं, यंग फ्लावर बर्ड को, है ना। एक बर्ड होता है फ्लावर बर्ड, जिसके अंदर से यंग फ्लावर्स निकलने वाले होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली बाहर से। एंड वेन द ग्रीन, एंड वेन ग्रीन, और जब ये ग्रीन होते हैं तो ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, या क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दो काम है बेसिकली इनके, ठीक है। फिर आते हैं सेपल्स से थोड़ा बाहर, सेपल्स के थोड़ा और डिटेल में जाते हैं अंदर, कोरोला, पेटल्स होते हैं, पत्तियाँ, ठीक है। द पेटल्स आर जनरली अरेंज इन अ सिंगल होल, एक सिंगल होल के अंदर होते हैं बेसिकली, बट समटाइम्स देयर मे बी अ डबल होल, कभी कभी डबल होल भी हो सकते हैं, जैसे कि पॉपी के अंदर होते हैं, पॉपी एक और है प्लांट आपका, और दे मे बी अरेंज स्पायरली, हो सकता है वो स्पायरली अरेंज होंगे पेटल्स आपके, जैसा वाटर लिली के अंदर होता है। तो वो तीन तरह के उसने बता दिए,
बेसिकली वो क्या कह रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि पेडल होते हैं जनरली जो वो होते हैं, जनरली वो अरेंज होते हैं सिंगल होल के अंदर, कभी कभी डबल होल के अंदर भी हो सकते हैं, कभी कभी स्पाइरली अरेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पेडल्स भी कह सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं, यानी फ्यूज हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं, ठीक है। जो फ्री होगा उसको पॉली बोलेंगे, पॉली पेटलस, उसको गेमो पेटलस, ठीक है। यानी आपको पता चलेगा फ्री के लिए हम पॉली वर्ड लगाते हैं और फ्यूज के लिए हम गेमो वर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, पॉली पेटलस और गेमो पेटलस, ठीक है। फॉर्मिंग का ट्यूब, एक ट्यूब सा उससे बनता हुआ दिखाई दे जाता है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ट्यूब जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है ट्यूब बनता हुआ, बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं। काइंड्स ऑफ कॉरल, एक ये फ्री वाला एग्जांपल आपको दे दिया, एक आपको ट्यूबलर दे दिया आपको, है ना, एक ये दे दिया आपको। द कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स और पॉलिनेशन। बेसिकली जो कलरफुल, जो इनके जो कलर होते हैं और इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है, ये किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपने पास, ताकि पॉलिनेशन नाम के एक एक्टिविटी जो हो सके। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट स्टैमेन से, बेसिकली स्टैमेन से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड पिस्टल्स को स्पेशली व्हेन द पेटल्स फॉर्म अ ट्यूब, जब पेटल एक फॉर्म एक ट्यूब बनाता है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट स्टैमेन एंड पिस्टल्स। अब आता है स्टैमेन पर, स्टैमेन को अभी क्या बोलते हैं, एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम है ना, एंड्रोइसियम। रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, द नंबर ऑफ स्टैमेंट्स इन डिफरेंट फ्लावर्स में वेरी फ्रॉम अ फ्यू टू अ लार्ज नंबर। वो कह रहा है कितने स्टैमेंट्स होंगे, कितने स्टैमेंट्स होंगे किसी भी फ्लावर के अंदर, कोई फिक्स नहीं है, ये वेरी कर सकता है। किसी किसी में अ फ्यू बहुत कम हो सकते हैं और किसी किसी में बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, लार्ज नंबर भी हो सकते हैं। इस स्टैमेंट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग फिलामेंट, हर स्टैमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा एक धागा होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, और उसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई होती है उसको एंथर बोलते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है, सॉरी, ठीक है। द एंथर इज यूजुअली टू लोब्ड, एंथर कैसा होता है, टू लोब्ड होता है। लोब्ड मतलब क्या होता है, नोट करो, करो जरा, अगर मैं लोब का आपको मीनिंग बताऊँ तो पिक्चर है हमारे पास, की पिक्चर भी नहीं है, देख पाऊंगा, अच्छा नोट करो, मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। देखिए आपने ना, अब इसको आपको कैसे समझाऊं, खंडो, हाँ ये रहा, ये है, ये आपको दिखाई देगा फिलामेंट। तो फिलामेंट बेसिकली क्या होता है, एक जो इसके जो नीचे जो पार्ट होता है ऊपर होता है, ये भी इधर भी तो पार्ट होगा, वो थोड़ा सा ओपन होगा, तो इसको बोलते हैं, इस वाले शेप को बेसिकली बोलते हैं लोब्ड। इस वाले शेप को क्या बोलते हैं, सिर्फ लोब्ड, और इसको हिंदी में बोलते हैं खंडदार, खंडदार, जिसके थोड़े डिवीजन हुए होंगे, जिसके थोड़े पार्ट्स होंगे, है ना, बेसिकली वो चीज। द एंथर इज यूजुअली टू लोब्ड, जो एंथर होता है वो भी टू लोब्ड होता है। एंथर, अच्छा एंथर की बात किया, तो फिलामेंट की मैंने बताया, फिलामेंट तो होता नहीं है, मैंने उल्टा ही बता दिया था आपको, है ना, एंथर होता है, एंथर तो यहाँ पे है ही नहीं, एंथर यहाँ पे, ये वाला जवाब मैं आपको एंथर से देखो, एंथर से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, मैंने पढ़ाई समझाई गलत था, एग्जाम्पल गलत ले लिया, कहाँ आ गया एंथर, एंथर एंथर ये रहा, एक तो सेफ देखो ये, हमें इसको नहीं, इसको ऐसा नहीं, आप इसको ऐसे समझ लो, जो बेड से दिखाई दे रहा है, फ्लैट बेड से दिखा, आपको दिखाई दे रहा है, एक इस साइड में, एक इस साइड में भी है, इस शेप को भी बोलते हैं, इस शेप को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोब्ड, है ना, इसको हिंदी में खंडदार बोलते हैं। खंडदार तो आप नहीं समझ पाओगे क्या मीनिंग होता है, आप उसके एग्जांपल लिख सकते हो, उसके टू साइडेड होते हैं ना, एक विशेष शेप को बोलते हैं एंथर की, है ना, तो वो बस आपके क्या याद रखना है, आप हिंदी में एग्जैक्ट क्या बोलते हैं वो एक वर्ड तो समझा नहीं पाऊंगा मैं, खंडदार। ईच लोब हैज टू पोलन सैक्स, हर लोब के पास दो पोलन सैक्स होते हैं, और उनके अंदर क्या होते हैं, टू पोलन सेक्स, फोर सेक्स इन ऑल, टोटल मिलाकर फोर, क्योंकि दो होते हैं, क्योंकि दो लोब होते हैं, और हर दो के पास दो पोलन सेक्स होंगे, तो दो और दो के चार हो गए, तो
फोर सेक्स नो, टोटल मिलाकर फोर सेक्स होते हैं। विद इन द पोलन सेक्स, विद इन द पोलन सेक्स आर कंटेंट पोलन गैस, पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। वैन द फुली वैन फुली कैन नेचर्ड, वैन फुली कैन नेचर्ड पोलन सेक रप्चर टू लिबरेट पोलन ग्रेन्स। वो कह रहा है जब पोलन सेक पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर मतलब बड़े हो जाते हैं, तो वो रप्चर हो जाते हैं। रप्चर मतलब क्या, वो आयाद होते हैं या पोलन ग्रेन में चेंज हो जाते हैं। अब वो क्या हो जाते हैं, वो पोलन ग्रेन को आदत कर देते, पोलन ग्रेन को आदत कर देते हैं बेसिकली। हाँ आप ये समझ सकते हो, ठीक है। द पोलन ग्रेन आर जनरली पाउडरी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। ये मैंने आपको बताया था पाउडर जैसे होते हैं पोलन ग्रेन बेसिकली। तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, पाउडरी पार्टिकल्स होते हैं, चूरा 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 जैसा होता है बेसिकली। और ये अलग अलग शेप में हो सकते हैं, ये अलग अलग शेप में हो सकते हैं, अलग साइज के हो सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते, मतलब इनको देख नहीं पाओगे ऐसे, कुछ कुछ केसेस में देख पाओगे, तो इसके लिए माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करने पड़ेंगे, है ना। इन एंड्रोसियम, इन एंड्रोसियम स्टैमेंट में भी फ्री, ओके। एंड्रोसियम में स्टैमेंट के साथ ये फ्री भी हो सकते हैं, जॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है ऑर्गेनाइज हो सिंगल डेवलप अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स में, यानी इसके भी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। ये पॉली एंड्रस भी हो सकते हैं, जॉइंट भी हो सकते हैं, फिर ये ऑर्गेनाइज हो सकते हैं सिंगल ग्रुप में, डबल ग्रुप में और बहुत सारे ग्रुप्स में भी क्या हो सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज हो सकते हैं बहुत सारे ग्रुप्स में, डिवाइडेड हैं ग्रुप में, डिवाइडेड हैं ये दो ग्रुप में, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप बन गया, दो ग्रुप में है, ये चार एक ही ग्रुप में है, ठीक है। तो ऐसे मोनाडेल्फस, मोनाडेल्फस क्या कह रहा है, स्टामेंट्स आर यूनाइटेड इन वन ग्रुप। स्टामेंट्स क्या है, एक ही ग्रुप में, एक ही ग्रुप में यूनाइटेड है ना, एक ग्रुप में साथ हैं बाय द फिलामेंट्स, फिलामेंट्स के साथ। ओनली एंथर्स आर फ्री, अच्छा बेसिकली नाम बता रहे हैं, बेसिकली नाम बता रहे हैं आपको तीनों के, कि अगर स्टामेंट्स फ्री हैं, स्टामेंट्स क्या है फ्री हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनाडेल्फस। उसके छोड़ने एग्जाम्पल दे दिया, चाइना रोज हुआ, कॉटन हुआ। अगर फिलामेंट से दो बंडल में अटैच हैं तो उसको डाइडेल्फस बोलेंगे, और अगर दो से ज़्यादा में है तो उसको पॉलीडेल्फस बोलेंगे। आपको ट्रिक बता दूँ याद करने की, कुछ नहीं, मोना का मतलब सिंगल ही होता है, डाई का मतलब डबल होता है, और पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं ये इनके, ठीक है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। हाउ टू रिमेंबर द अब थ्री टर्म्स, वही मैंने आपको बता दिया मीनिंग बता रहा है कि आप कैसे हो दिन, तो मैंने बता दिया मोनो होता है, मोनो इनका मीनिंग क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन, डी का मतलब होता है टू, अब पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, बस इस तरह से आप याद रख सकते हो। और डेल्फस का मतलब क्या होता है, हाँ ये मैंने आपको नहीं बताया, डेल्फस का मतलब क्या होता है, ग्रुप, और ब्रदर्स यानी सेम काइंड के लोगों का ग्रुप, बस अब आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो हेयर रेफरिंग टू द पार्ट फ्रॉम विच द एंथर्स ग्रू आउट इन अबंडल, दस द बंडल ऑफ एंथर्स कैन अराइज इन अ सिंगल पार्ट। बेकार है, छोड़ दो उसको, है ना, बस मीनिंग याद रखो, जो पर मीनिंग होता है चार, इनकी मीनिंग याद रखो केवल। जाइनोसियम, जाइनोसियम ये क्या होते हैं, कार्पस। जाइनोसियम इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल, जाइनोसियम को हम पिस्टल बोलते हैं, एक नया नया नाम मिल गया आपको पिस्टल का। इट इज कम्पोज ऑफ वन और मोर कार्पस, इस कार्पल का सब थ्री पार्ट, तीन पार्ट्स होते हैं कार्पल के, स्टेगमा, स्टाइल एंड ओवली, है ना। स्टेगमा क्या है बेसिकली, स्टेगमा इज अ टर्मिनल नोड, टर्मिनल मतलब पता है, टर्मिनल मतलब रास्ता, टर्मिनल नोब लाइक पार्ट, इट में भी डिवाइडेड टू टू और मोर लोब्स, ये दो या दो से ज्यादा लोब्स में डिवाइडेड हो सकती है। एंड में एज्यूम, एज्यूम मतलब कल्पना करना, इमेजिन करना, एंड एज्यूम फेदरी अपीयरेंस, और एज्यूम कर सकते हो कि फेदर की तरह एक पंख वाला अपीयरेंस का, पंख वाला लुक मिल रहा है, ठीक है। मतलब स्टिग्मा इज कवर्ड विद हेयर, स्टिग्मा हेयर से कवर्ड होता है, और विद ग्लैंडुलर पेपुलाई, है ना। इट सर्व्स एज ए लैंडिंग प्लेस, ये बेसिकली क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यहाँ पे, कि वैसे स्टिग्मा काम क्या करता है, ये एक लैंडिंग प्लेस है। लैंडिंग प्लेस क्या है, लैंडिंग प्लेस किसके लिए,
लैंडिंग प्लेस किसके लिए है? मेरे लिए किसके लिए लैंडिंग प्लेस है? फॉर पॉलन ग्लैंड ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन नाम की एक्टिविटी होती है तो वहाँ से जो पॉलन निकल कर आते हैं तो पॉलन की जगह पर जाते हैं, वो जगह स्टिग्मा ही है। ठीक है, स्टाइल क्या है? स्टाइल इज अ ट्यूबुलर सिलेंडर स्टॉक, एक डंडी की तरह, एक ट्यूबुलर शेप में एक डंडी होती है बेसिकली, विच कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी, जो क्या करती है, कनेक्ट करती है स्टिग्मा को ओवरी से। ठीक है, इसका लुक कैसा होता है? एक ट्यूबुलर, एक खोखली एक स्टॉक होती है। ठीक है, अब जो कि क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। सर ओवरी क्या होती है? बेसिकली प्लांट्स का पेट आप कह सकते हो। फिर से ओवरी जस्ट स्वॉलन बसल पोर्सन कंपोज ऑफ वन और मोर कार्पल फ्यूज टूगेदर। द इनर कैविटी ऑफ द ओवरी मे बी अ सिंगल चैम्बर और डिवाइडेड इंटू सेवरल चैम्बर्स ईच कंटेनिंग अ नंबर ऑफ डोमिनेंट बॉडीज द ओव्यूल्स प्रेजेंट अटैचेस द ओव्यूल्स टू द वॉल ऑफ द ओवरी। कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर जो आप नोट कर सकते हो। स्वॉलन का मीनिंग लिखो, SWOLLEN, जैसा पता होगा आपको फूला हुआ है ना, वही होता है। देख लिया, बसल लिखो बसल, बसल नोट करो, बेस और कहाँ से आपको बताऊँ मैं, और कौन सा वर्ड है जो आपको नहीं पता हो सकता है? कैविटी का मैंने पता है, कैविटी लिखो, होल है ना, होल होल लिखो, एक तो होल लिखो, होल और लिखो प्लेस। एक प्लेस है ना, फ्रांस के अंदर भी जगह होती है छोटी सी, जैसे पेट के अंदर जगह होती है ऐसी, है ना, वो जगह है ना। मे बी सिंगल चैम्बर और डिवाइडेड, चैम्बर मतलब रूम है ना, चैम्बर मतलब रूम है ना। कंटेनिंग नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज ऑब्वियस, ठीक है। लिख लिया, तो क्या करें, ओवरी क्या है? ओवरी एक फूला हुआ पोर्शन है जो कंपोज्ड है, जो बना हुआ है एक या एक और बहुत सारे कार्पेल से मिलकर, है ना। द इनर कैविटी ऑफ द ओवरी मे बी अ सिंगल चैम्बर, जो उसके जो अंदर का जो होल होता है, जिसके उसके अंदर एक जगह होती है, वो है ना, जो ओवरी के अंदर जो एक जगह होती है, वो हो सकता है वो सिंगल हो, सिंगल रूम हो वहाँ पे, या फिर हो सकता है बहुत सारे रूम्स में डिवाइडेड हो, जिसके अंदर बहुत सारी राउंडेड बॉडीज होती हैं, जिसको हम ऑव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और इनको ऑव्यूल को ओवरी की दीवारों से कनेक्ट कौन करता है? वो एक ना एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, जो कि क्या करता है, ऑव्यूल्स को ओवरी की वॉल से कनेक्ट करता है। तो ये याद होना सही है, ठीक है। और ऑव्यूल्स के बारे में आपको पता चला है भी थोड़ा सा, ऑव्यूल्स बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ राउंडेड बॉडीज होती हैं बहुत सारी उन चैम्बरों के अंदर। तो मैंने हाईलाइट ये कर दिया, लेकिन इसका पुराना सा ऊपर से आएगा, ठीक है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, बेसिकली क्या कह रहे हैं, इन मोर इन कहाँ गया पुराने का, इन मोस्ट प्लांट्स द फ्लावर्स आर बाईसेक्सुअल, और मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर्स होते हैं बाईसेक्सुअल होते हैं। दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, वो दोनों ही फीमेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं। इन मैनी प्लांट्स द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट, हाँ, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। सच प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऐसे प्लांट दो तरीके के होते हैं, मोनोसियस एंड डाइसियस। देखो कोई वर्ड आ रहा है कुछ आप पता लगा सकते हो, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब टू, उसे शुरुआत कर रहा है तो बता भी रहा है, मोनो मतलब वन और ओइसियम मतलब हाउस, जहाँ पे एक घर हो, ठीक है, और जहाँ पर दो घर हो, कुछ ऐसे ही कह रहा है। तो कह रहे हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ग्रो इन द सेम प्लांट, अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स अगर एक ही प्लांट में ग्रो हो गए तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। लेकिन मेल एंड फीमेल फ्लावर ग्रोन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, लेकिन मेल पार्ट एक अलग फ्लावर में और फीमेल पार्ट एक अलग फ्लावर में ग्रो होता है, तो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे डायोसिस प्लांट, डायोसिस प्लांट। तो बहुत ईजी है ये, है ना, प्रोग्रेस चेक।
मैं करवा देता हूँ। मैथ हैज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, फ्लैट्स कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, फ्लैट टिपिकली हैज सिक्स फ्लोर पार्ट, गलत है, फोर होते हैं। ब्रेक्स आर यूजली ग्रीन बट समटाइम्स लार्ज एंड कलरफुल, हाँ बिल्कुल। नेचुरियम हैज नेक्रीज, बिल्कुल। स्टेमेंट्स एंड कार्नल्स मेल एंड फीमेल पार्ट, बिल्कुल। स्टेमेंट मेल होता है और कार्पल फीमेल होता है। द प्रीफिक्स गैमो इज यूज्ड व्हेनेवर एनी फ्लोरल होल्स आर फ्यूज्ड, बिल्कुल। गैमो का मीनिंग में होता है जहाँ पे फ्यूज के लिए होता है वहाँ पे गैमो, और जहाँ पे सिंगल का वहाँ पे पोली तक, क्या था वहाँ पे फ्री वर्ड, फ्री के लिए क्या वर्ड यूज होता था, फ्री होता था वो, फ्री स्टेट में देते उसको पॉली बोलते थे, और जहाँ फ्यूज होते थे वहाँ पे गैमो वर्ड यूज होता था। ठीक है, स्टिग्मा मे बी सिंपल और डिवाइडेड इनटू टू और मोर लोस, बिल्कुल। पपाइज अ मोनोइसिस प्लांट, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये तो गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल बुक में दिया नहीं है, इसके रिगार्डिंग मुझे नहीं पता, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट रह गया है, मैं इसे क्वेश्चन से बाद में कराऊंगा। ठीक है, मैं ये पार्ट खत्म करा देता हूँ। इन्फ्लोरेंस एंड प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो पहले इन्फ्लुएंस का मीनिंग लिखो, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस में जो होता है फूलना, क्या होता है फूलना, या फिर लिखो ग्रो होना, बेसिकली ग्रो होना बोल सकते हो। ठीक है, ग्रो होना, लिख लिया ग्रो होना। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे लिखता हूँ मैं आपको, प्रेजेंटेशन भी प्लेसेंटेशन लिखो जरा, कहीं पर डेफिनेशन दे रही। प्लेसेंटेशन का मेरा मीनिंग समझाता हूँ, एक तरीका है जिस जिसमें जो ओव्यूल होता है, जो पेट होता है बेसिकली, वो तो अरेंज होता है उस पेट की दीवारों से। ओव्यूल्स को जो पेट के अंदर छोटी छोटी राउंडेड जगह होती है ना, उसको ओव्यूल्स होते हैं, ऊपर पड़ा था, तो उसको जो हम इससे अटैच करते हैं, तो अटैच करते हैं उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। लेकिन जिस तरीके से अटैच करते हैं उस तरीके को प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, जो पार्ट उसको ओव्यूल को ऊपर से कनेक्ट करता है उस टिश्यू को, तो इसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। लेकिन तरीका होता है, उस तरीके को प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस का मीनिंग तो मैंने आपको बताया था, ग्रो होना बेसिकली। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, इन्फ्लुएंस इज मोर, एक तरीका, ये भी एक तरीका है, तरीका किस चीज़ का, अरेंज होने का, ग्रो होने का, अरेंज होने का तरीका है किस चीज़ का, फ्लावर्स का। ठीक है, ऑन दी एक्सेस ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट के एक्सेस ऑफ, प्लांट के एक्सेस पर कैसे वो अरेंज हो रहे हैं। द फ्लावर्स मे बी अरेंज इन सेवरल डिफरेंट वेज इन डिफरेंट प्लांट्स, वो कह रहे हैं फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और ये जो तरीका होता है इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, जैसे ये वाला लेते हैं, यहाँ का फ्लावर कैसे कैसे अरेंज है, लीव्स के एक जगह पर है, लीव्स के ऊपर बेसिकली, यहाँ पर लीव्स जैसे निकल, तो लीव्स के साथ ही जैसे निकल गया, यहाँ पर निकल गया, देख रहे हो, यहाँ पर सबसे ऊपर ऊपर वाली टहनी पर है ना, यहाँ पर ये रहे। तो कितने सारे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, तरीकों को बेसिकली बोलते हैं प्रेजेंट वो, इस तरीकों को बेसिकली हम बोलते हैं ये इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये ग्रो होने का बिल्कुल तरीका है, ग्रो होने का खेल हो या फिर अरेंज होने का तरीका बोलो, उसको तो बोलते हैं इन्फ्लुएंस। ठीक है, सिंगली आइदर एट द एपेक्स ऑफ द मेन स्टेम और एट द टर्मिनल एपेक्स ऑफ द लेटर ब्रांचेस, या तो वो सीधा ऊपर हो या फिर नीचे हो। ठीक है, टॉप पे है ना, मतलब टर्मिनल एक्सिस पर, यानी जो बाहर निकल रहा है उसी पर, टर्मिनल एक्सिस पर या फिर मेन एक्सिस पर। तो मेन एक्सिस पर तो ये रहा, और टर्मिनल आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, इन द एक्सिस ऑफ लीव, जहाँ से लीव्स निकल रही हैं वहीं से ये निकल जाए। ग्रोइंग आउट फ्रॉम एक्सिस ऑफ डिफरेंट लीव्स, डिफरेंट डिफरेंट लीव से निकल कर आ रही हैं, लीव से निकल कर आ रही हैं। ठीक है, मेकिंग क्लस्टर, एक ग्रुप बनाते हुए दिखाई दे, क्लस्टर मतलब ग्रुप है ना। और दूसरा तरीका क्या है, लास्ट एक्सिस इज लिटरली फ्लैट एंड, जो एक्सिस तो फ्लैट है, मेकिंग अ डिस्क, एक डिस्क बना दी उसने, एज इन सनफ्लावर, जैसे सनफ्लावर में होती है। द यंगेस्ट फ्लावर्स आर इन द सेंटर, जो सबसे छोटा होता है वो बेचारा सबसे बीच में होता है। एंड द ओल्डेस्ट एट द पेरीफेरी, और जो ओल्डेस्ट होते हैं उनके अगल बगल में होते हैं। ठीक है,
अब बोला प्लेसेंटा क्या, प्लेसेंटा एक टिश्यू है जो क्या करता है, अटैच करता है ओवल को ओवल की बॉल्स, ओवल ओवरी की बॉल्स से। और प्लेसेंटेशन क्या होती है, वो तरीका जिससे ये एक दूसरे को अटैच करते हैं। फिर कह रहा ओवल 10 into 6, ओवल बाद में किसमें चेंज होता है, एकम सीड में चेंज हो जाता है, इन द मैच्योर फ्रूट है ना, इन द मैच्योर टर्न्स इंटू सीड्स इन द मैच्योर फ्रूट। बेसिकली वो कह रहे हैं ओविल नहीं होता, बेसिकली ओविल जो है एक सीड को, ओविल के अंदर सीड रखा हुआ है, ओविल क्या करता है सीड को एक मैच्योर फ्रूट में चेंज कर देता है, एक मैच्योर फ्रूट में कर चेंज कर देता है। देर डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी सीन इन फ्रूट्स, वो कह रहे हैं कि जो ये अरेंज करने के तरीके ना हम अलग अलग फ्रूट्स में देख सकते हैं, जैसे कि पी में देख सकते हो, टमाटो में देख सकते हो, मैंगोज में देख सकते हो, लोटस फ्लावर में देख सकते हो एक्सेट्रा। देखो स्पॉन्सर रिमेंबर ने मैचिंग पूछ सकते हैं आपसे, क्या फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बिल्कुल पूरा चक्कर हमने इसलिए पढ़ा है इसके ऊपर। सेपल्स क्या करते हैं, शॉर्ट में प्रोटेक्ट करते हैं बड़ वगैरह को, और पेटल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, हर किसी के बढ़ने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपल्स बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, स्टैमेंट्स पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, कार्पल क्या करता है वो पोलन को रिसीव करता है, वो जगह होती है जहाँ पोलन गिरता है, ठीक है। आप ओवरी क्या है, ओवरी बेसिकली वो जगह है जो क्या करती है सीड को ग्रो करती है, आप फ्रूट में कन्वर्ट करती है। एसेंशियल प्लांट्स पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टैमेंट्स एंड कार्पेल्स, नॉन एसेंशियल वंस आर पेटल्स एंड सेपल्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं स्टैमेंट्स एंड कार्पेल्स हैं ना, जो एसेंशियल बेसिकली होते हैं, और जो नॉन एसेंशियल होते हैं यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं तो वो है पेटल्स एंड सेपल्स। पूरे चैप्टर की समझी हुई है यहाँ पर एक तरह से, बहुत बढ़िया। मतलब नेक्लिस क्या होते हैं, नेक्लेस क्या होते हैं, एक फ्लावर का कलर होता है बेसिकली उसको बोलते हैं, ये मैं हाईलाइट नहीं कर रहा। सेपल्स में बैटरी गार्ड बेकार, मैंने बता रहा ये वाला काम करो, पोलन जैसा फाइन पाउडरी पार्टिकल्स ठीक है, द मेन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ये इसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं, जो प्रेजेंटेशन होता है वो तरीका होता है ये भी नहीं, ठीक है। बाकी और कुछ काम करेंगे, अब तो आपका पूरा ही चैप्टर के होमवर्क में है, हाँ तो पूरे चैप्टर को क्या होमवर्क है, ठीक है। कुछ छोटा नहीं है ना यहाँ पर, हमारा प्रोग्रेस चेक हो गया, ये वाला बॉक्स भी हो गया हमारा, ये बॉक्स मैंने पढ़ ही लिया है, ये बॉक्स तो छोटा नहीं है हमारा यहाँ पर, ये वाला फ्लावर बॉक्स में हो चुका है, ये बॉक्स जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना।